आने की कतई गुंजाइश नहीं। ठीक है सर, कांग्रेस के पास चलते हैं। राकेश जी, ये देखिए कांग्रेस बीजेपी की रीति और नीति है, नए प्रयोग करते हैं, नए चेहरे खुलाते हैं। उनका एजेंडा बड़ा है, 370 और एनडीए का 400 पार। इस एजेंडे के तहत ये जो प्रयोग करके वो 400 पार जाना चाह रहे हैं और ये उनकी रणनीति है। रणनीति कुछ नहीं है। जब इंडिया अलायंस से कोई अलायंस टूटता था, आप ये कहते थे कि कांग्रेस अपना कुनबा नहीं बचा पा रही। आज भारतीय जनता पार्टी को उनके अलायंस छोड़ छोड़ के भाग रहे। उसका कारण ये है कि जब ये 2019 में जेजेपी के साथ अलायंस किया, तभी आप जान लीजिए कि जो भी गठबंधन हुआ उसके बाद अपना जो अलायंस पार्टनर है उन्हीं के एमएलए को अपने पक्ष में लोग शामिल कर लेते। ये सेम चीज महाराष्ट्र में भी हुआ शिवसेना के साथ, अकाली दल के साथ भी हुआ, सभी जगह। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उनका अलायंस पार्टनर बाहर आ रहे। और यही नहीं, दो दिन पहले पूर्व मंत्री बीरेंद्र सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। मतलब ये तो भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ऐसी बात है कि उन्होंने 9 साढ़े 9 साल कर लिया, अब चेंज कर रहे हो। गुजरात में खुद प्रधानमंत्री 15 साल थे, वसुंधरा राजे जी लगातार मुख्यमंत्री रही, शिवराज सिंह चौहान 15 साल रहे, रमन सिंह रहे। कट्टर साहब का कोई ना कोई तो गलती पकड़ा होगा, परफॉर्मेंस नहीं होगा। और उनके नाम पे आगे अगर आप लोकसभा में जाते तो 10 में से आपका सीट कम होता, इसलिए उनको हटाने की जरूरत। हाँ, अब वीरेंद्र जी जवाब दीजिए, इसके बाद फिर मैं चलूंगा सपा के पास। मैं विश्वास के साथ जी मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस या हमारे विरोधी वो हमारे किसी निर्णय का स्वागत करेंगे और किसी सकारात्मक निर्णय पर भी कोई सकारात्मक टिप्पणी करेंगे, इनसे उम्मीद आपको भी नहीं करनी चाहिए, मैं भी नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में उसने बेहतरीन काम किया अपने गठबंधन पार्टनर के साथ। आज तक जो हमारे गठबंधन पार्टनर थे, हमने सचमुच बेहतरीन परफॉर्म किया है। हमें अपने पार्टनर से भी उस काम में मुझे नहीं लगता कि कोई लंबी चौड़ी शिकायत थी। नीतीश कुमार एनडीए से भटक गए थे तो आप लोग कह रहे भाई इंडिया गठबंधन में टूट हो रही है, इंडिया गठबंधन में टूट हो रही है। अब आपके जेजेपी अलग हो गए और उनके 5 विधायक आपके संपर्क में हैं, वही बात वो कर रहे हैं। मेरा जवाब पूरे होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, जननायक जनता पार्टी के साथ हमने गठबंधन जो किया था वो हमारा प्रीपोल अलायंस नहीं था। चुनाव के बाद हरियाणा की परिस्थितियों के दृष्टिगत वो अलायंस किया था, उस अलायंस ने बेहतर परफॉर्म किया और ये कहकर अलायंस किया था कि जब अगला चुनाव आएगा उससे पहले तय करेंगे इकट्ठे लड़ना है या अलग अलग चलना है। आज की परिस्थिति में जननायक जनता पार्टी उस रूप में हमारे साथ शायद नहीं खड़ा हो पा रही, तो वो उनके रास्ते अलग होते दिखाई देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें 2019 में जैसे जीती थी, ठीक उसी तरह उससे अधिक मतों के अंतर के साथ 10 की 10 सीटें जीतेगी। वीरेंद्र जी, एक और गंभीर आरोप लगाया राकेश जी ने कि जो अलायंस आपको छोड़ते हैं उनके उनके नेताओं को विधायकों को आप तोड़ लेते हैं। बहुत गंभीर आरोप उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, अब कह रहे हैं कि जेजेपी के भी 5 विधायक आपके संपर्क में। मैं बहुत बहुत जी जी हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, जेजेपी के 5 क्यों 10 के 10 हमारे संपर्क में थे ना। एक मिनट, जवाब तो दे दूं। मैं जवाब दे दूं, मुझसे सवाल पूछ लिया आपने। मैं ये कह रहा हूँ कि कल तक सुबह तक सरकार के इस्तीफे तक जेजेपी के 10 के 10 विधायक हमारे साथ ही तो थे। लेकिन क्या भारत के प्रजातंत्र में, भारत के कानून में, जिसके साथ भूपेन्द्र हुड्डा कुछ कह रहे हैं उनके पास चलते थोड़ा सुनते हैं। मुख्यमंत्री आ गए तो यानी कि कहीं ना कहीं इस सरकार की कार्यशैली से जनता कितनी दुखी होगी। आज हरियाणा कितना नुकसान कर दिया इन लोगों ने, उसका अंदाजा शायद लगाकर ये इस प्रकार का प्रयास भाजपा ने किया। एक रिएक्शन तो आपने दे दिया जेजेपी को जाने का, लेकिन मुख्यमंत्री का जो चेहरा बदला जाना, उसकी क्या वजह लगती है आप लोगों को? देखिए, मैंने जैसे कहा कि भाई ये सरकार, नाराजगी लोगों की, इस सरकार के प्रति नाराजगी। लेकिन वो नाराजगी क्यों? आज 10 साल की भाजपा सरकार ने हरियाणा को देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, देश में अपराध में नंबर 1 बना दिया, देश में किसान, महिला, कर्मचारी, व्यापारी पे अत्याचार में नंबर 1 बना दिया, देश में नशे में नंबर 1 बना दिया, हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। दुर्दशा हरियाणा के हर कोने में दिखाई दे रही है। आज हरियाणा की जनता
बहुत त्रस्त है, इस सरकार से बहुत दुखी है और इसीलिए ये बदलाव। मगर अब कोई ऐसा टॉनिक, कोई ऐसा, मैं समझता हूँ कोई ऐसा फैसला इनके पास बचा नहीं, कोई फॉर्मूला ऐसा बचा नहीं जिससे ये हरियाणा के लोगों के गुस्से को शांत कर सके। हरियाणा के लोगों में नाराजगी है और नाराजगी बेरोजगारी में नंबर वन बनाने को लेकर है, अपराध में नंबर वन बनाने को लेकर है, अत्याचार में नंबर वन और इसके अलावा महिला अत्याचार में नंबर वन। अब देखिए वीरेंद्र सिंह जी, वो कह रहे हैं कि भाई कोई टॉनिक कोई फॉर्मूला था ही नहीं आपके पास नाराजगी दूर करने के लिए, इसलिए आपने एक सेफ गेम खेला, सीएम का चेहरा बदल दिया। मैं ये कह रहा हूं कि हरियाणा में लोग नाराज नहीं है, राजी हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि अब हरियाणा में नौकरियां मेरिट पर मिलती हैं। हमने कांग्रेस के 10 साल के शासन से ज्यादा नौकरियां 9.5 साल में दे दी और जब हम सितंबर अक्टूबर में चुनाव में जाएंगे तब तक हम कांग्रेस से 2 गुना पक्की सरकारी नौकरियां 10 साल में दे चुके होंगे इनके 10 साल की तुलना में। हरियाणा के शासन में मुट्ठी भर गांव हरियाणा के ऐसे थे जहां 24 घंटे बिजली आती थी, शहर शहर को बिजली मिलती थी, गांव को बिजली मिलती थी, 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे खींचकर 8 घंटे। आज हरियाणा के 5900 गांव ऐसे हैं जो जगमग है साहब, 2400 घंटे बिजली आती है। हरियाणा के तालाब बेहतर हुए हैं, सड़कें बेहतर हुई हैं। हरियाणा के किसान को आज उसकी फसल का दाम सीधे खाते में मिलता है और 2-3 दिन की देरी हो जाए, अगर 1 दिन की भी देरी हो जाए निर्धारित समय में 72 घंटे में अगर दाम ना उसके खाते में पहुंचे तो हम हरियाणा के किसान को ब्याज देते हैं साहब। हरियाणा का किसान प्रसन्न है, नौजवान प्रसन्न है। आपसे अगर परेशान कोई है तो मैं बताता हूँ कौन है परेशान, कौन है। इसके बाद मैं जाऊंगा भुवन जी के पास, परेशान कौन है सर, और भी मेहमान एक वाक्य में परेशानी बताता हूँ। भाजपा के जो प्रवक्ता है उन्होंने ये कहा कि किसान को वो दाम देते हैं और ब्याज भी देते हैं। हमने देखा ना भुवन जी, हम भी दिल्ली आते हैं, हम देखते हैं किस तरह हरियाणा के अंदर किसानों का घेराबंदी किया हुआ है, दिल्ली आने नहीं दिया जाता है, उनके रास्ते में फूल नहीं, किसानों के रास्ते में कीले गाड़ा हुआ है। तो हम भी देख रहे किस तरह का भाव दिया आपने, आप उनको आय दुगनी करने वाले थे, आज पंजाब और हरियाणा के किसान पूरे के पूरे दिल्ली को बॉर्डर को घेर के बैठे हुए, आज पूरा रोड ब्लॉक है, नेशनल हाईवे को बंद किया गया है, कहां पे दे रहे साहब, किसको झूठ बोल, जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पास जाऊं। वीरेंद्र जी जल्दी जवाब दीजिए, आप फूल नहीं कीले गाड़ रहे हैं, बस एक छोटे से जल्दी जवाब दीजिए, फिर समाजवादी पार्टी के किसानों के नाम पर किसानों के नाम पर कोरी राजनीति करने वाले बेनकाब हो चुके हैं। हरियाणा वो प्रदेश है भारत का जो 14 फसलें एमएसपी पर खरीदता है, जहां 1.5 गुना समर्थन मूल्य से दाम किसानों को मिलता है। हम तो राजस्थान पंजाब के किसानों की फसलें भी समर्थन मूल्य पर खरीद लेते हैं, जब इनकी कांग्रेस की सरकार वहां थी राजस्थान में ये नहीं खरीदते थे, हमारे यहाँ बिकती थी आकर के। पंजाब का किसान भी कोशिश करता हमारे यहाँ फसल बेच ले, तो हरियाणा का किसान प्रसन्न है। ठीक है सर, आप लोग अपनी बात रखिए, अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुत देर से बैठे सर, भुवन जी के पास चलते हैं। प्रवक्ता से छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश की रिपोर्ट, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस ने लागू नहीं की, इनके समय में आई थी, हमने लागू की साहब। ठीक है, चलिए अब चलते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास, भुवन जी। मैं अब देखिए जिस तरीके से आऊंगा राकेश जी के पास, चूंकि समाजवादी पार्टी से भी काफी देर जुड़े हुए हैं। अब देखिए बीजेपी ने जो रणनीति बनाई वो कह रहे भाई हम नए चेहरों को मौका देते हैं, हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता वो सीएम बन सकता है और चुनाव से पहले जो हमने सीएम बदले हैं वो हमारी रणनीति है। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आज खट्टर साहब का जो बदला है वो केवल किसान आंदोलन की जीत के रूप में मैं इसको देखता हूँ। अच्छा, क्योंकि जिस प्रकार हरियाणा की बॉर्डरों पर आंसू गैस छोड़ने का काम हुआ, किलों से उनका स्वागत हुआ, जय जवान जय किसान की जो परिपाटी इस देश की है उस पर एक कुठाराघात करने का काम हरियाणा सरकार ने करा, तो निश्चित तौर पर उसका आज रिजल्ट आया है कि आज वहां से इनकी विदाई तय हुई है। और मैं कहना चाहता हूं कोई भी राजनीतिक दल है
परफॉर्मेंस वाले मुख्यमंत्री के साथ चुनाव में जाना चाहेगा। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि इनके परफॉर्मेंस की वजह से हम 24 का चुनाव हार रहे हैं, इसलिए हटाने का काम करें। लेकिन राजनीति में इतना भी होता है, जिस जाति जिस बिरादरी से वो लोग आते हैं खट्टर साहब, उस बिरादरी का भी अब इनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और निश्चित तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये लोग तो नए भस्मासुर है भारतीय जनता पार्टी के लोग। वीआईपी पार्टी के साथ मुकेश सहनी के साथ क्या करा इन्होंने, उनके विधायक तोड़ लिए, आज जेजेपी के विधायक तोड़ रहे हैं। ये तो जिसके साथ रहते हैं उसी पर हाथ करके उसको ऊपर रख के उसको भस्म करने का काम करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी आज की राजनीति के नए भस्मासुर है। अभी नए कई इनके साथी बने हैं, ये उनको भी सीखना पड़ेगा कि किस प्रकार अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के भस्मासुर से होने से बचाना है। उत्तर दे दूं इसका। और मैं कहना चाहता हूं आपसे, बहुत बीरेन जी जवाब देंगे, पहले पूरी बात हो जाए तो बीरेन जी जवाब दीजिएगा। मैं जवाब दे दूं, बोलिए। बड़े 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 धैर्य से सबको सुना है, जरा धैर्य दिखाइए महाराज जी। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ का जो किसान है, वहाँ का जो जाट समाज है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जब से उनकी लीडरशिप को निकाल रही है, और मैं कहना चाहता हूँ 2024 में कल आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मंत्री भी रहे और पहले कांग्रेस में रहे, कल उनकी घर वापसी अपने बेटे के साथ हुई है, ये बताने को काफी है कि अब भारतीय जनता पार्टी का जहाज डूबने वाला है। अब वीरेंद्र सिंह जी जवाब दीजिए, आप भस्मासुर हैं, जिस भी साथी को आप लाते हैं भस्मासुर की तरह भस्म कर देते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय के उद्घोष के साथ, राष्ट्रवाद के नारे, सिद्धांत और संस्कार के साथ काम करने वाला, विचारधारा और कार्यकर्ताओं पर आधारित एक राजनीतिक दल है, और वो दल है जो हिंदुस्तान के सर्वाधिक लोगों को पसंद है। भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक सांसद हैं आज देश में, सर्वाधिक विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ भारत की सर्वाधिक जनता मजबूती के साथ खड़ी है। और जब कांग्रेस के हारे नकारे नकारात्मक लोग या लुटे पिटे सपाई भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसी भाषा बोलते हैं तो वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों समर्थक, आप उनको लुटे पिटे हारे बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, पार्टी में जगह दे रहे हैं, रुकिए, आप ऐसे ही लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। काउंटर काउंटर, देखो जब वो बोल रहे थे आपने टोका था उनको, क्या उनको लंबा हो गया ना, रुकिए ना, और भी मेहमान जी, मैं ये कह रहा हूँ भाई, मुझे भाई आप जवाब तो देने देंगे ना, आप उनको नहीं टोक रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ प्रजातंत्र में एक दल से दूसरे दल में आना जाना पहली बार हो रहा है क्या? इनके यहाँ भी लोग जाते हैं, इनके यहाँ से भी निकलकर भागते हैं, इस पर अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की रुदाली नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की परफॉर्मेंस अगर हरियाणा में जाननी है तो समझ लीजिए कि हरियाणा के किसान, हरियाणा के नौजवान, हरियाणा के समाज का प्रत्येक वर्ग उससे प्रसन्न है। और केवल एक बात ये कह देने से के चाट नाराज हो गए, जिस बिरादरी के खट्टर साहब थे वो भी नाराज हो गए, जरा इनकी इनकी इनका इनकी सोच तो देखिए, ये राजनीति को केवल और केवल हारी